स्वागत है आपका एक और फ्रेश ब्लॉग में, और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आप जो लोकेशन है वो गैस कर पा रहे हैं तो अभी कमेंट में लिख दें, और बाकी वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं हूँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, और अभी तक मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 नहीं देखा था, तो इसलिए मैं पहले इसकी जो शुरुआत है यहीं से कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म 8 और 9 ये है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं देखे थे। तो प्लेटफॉर्म 1 से जैसे आगे बढ़ोगे आप तभी ये 8 और 9 देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा जैसे मुरादाबाद पे 6 और 7 देखने को मिलते हैं ना 1 से लगे, सेम कुछ उसी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं पूरा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगा और आपको काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो लखनऊ चारबाग के बारे में मिलने वाली है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड LKO है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे ना कि LJN को। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें अलग देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे जो मल्टीपर्पज स्टोर है वहां से खरीदी है कॉफी। दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म 8, इधर ये है 8 और इधर है 9, तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर प्लेटफॉर्म। यहाँ से बेसिकली जो लखनऊ से ऑरिजिनेट होने वाली ट्रेन है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है, ना कि हॉल्ट करने वाली ट्रेन है। जो हॉल्ट करती है वो बेसिकली जो 7 प्लेटफॉर्म है एक ही लाइन में बने हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। तो चलते हैं अभी। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है, कोटा और पटना के बीच में चल रही स्पेशल ट्रेन, जिसमें अभी लोको चेंज हुआ है। WAP 7 से आई थी बट अभी WTP 4 भी लग गया है। और सामने आप कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन को देख सकते हैं, और इसमें है हमारा WAP 7 लोकोमोटिव और उत्कृष्ट के नाम के ICF कोच। अब उत्कृष्ट तो आप सब जानते हैं। तो चलते हैं आगे और प्लेटफॉर्म 1 और बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं दिखाता हूँ और कैसी फैसिलिटीज है वो दिखाता हूँ। तो गाइज प्लेटफॉर्म 9 बिल्कुल ही टर्मिनल प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पटरी बिल्कुल खत्म है। तो गाइज अब चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर और लेते हैं लिफ्ट का सहारा। लिफ्ट में बैठ चुके हैं, यहाँ पर लिफ्ट वर्क कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एस्केलेटर देखने को मिल जाता है, जिसमें एस्केलेटर पे नीचे आपको उतारेगा, दोनों एस्केलेटर काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक है ये, जैसे ही मैंने हाथ रखा तभी ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाई एस्केलेटर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो चलते हैं, लिफ्ट भी वर्क कर रही है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। तो कुछ इस तरीके का FOB है और आई थिंक ये नया बना है, पहले शायद नहीं था ये। गाइस ये जो FOB है सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है, और अभी आप ये जो देख रहे हैं जहाँ से ये कोटा पटना निकल रही है ये प्लेटफॉर्म 3 है, और इधर WAP 7 के साथ कुंभ खड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म 2 है। तो सेम ही है सबकी हालत। तो मैं डायरेक्ट लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पर चलूँगा, मैं आपको बस ऐसे ही बताऊँगा इसके बारे में। तो चलते हैं अभी प्लेटफॉर्म 4 की तरफ। तो अभी हम चल रहे हैं 4 की तरफ, देखते हैं कैसा है नीचे का सीन। तो गाइज अभी मैं चल रहा हूँ नीचे की तरफ क्योंकि हम पहुँचेंगे 4। अब मैं आपको लखनऊ के बारे में बताऊँ थोड़ा सा। तो जो लखनऊ रेलवे स्टेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और साथ ही साथ आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। गाइज अभी आप ये जो मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं ये खड़ी है हमारी फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन, काफ़ी समय से इसकी डिमांड चला दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली इंडियन रेलवेज के द्वारा, दिल्ली मालदा के बीच में चलती है। और इधर आप देख सकते हैं खड़ी हमारी वाराणसी जम्मू तभी बेगमपुरा जो कि मुरादाबाद से भी आई है, और प्लेटफॉर्म नंबर ये खड़ी है इस समय 6 पर, और 5 पर कोई ट्रेन नहीं है। और आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पहले से चहलकदमी बड़ी है, बट सफाई की तो खैर बात कहनी ही पड़ेगी क्योंकि ऐसा कभी लखनऊ पे देखने को मिला नहीं था। मैं आपसे लखनऊ के बारे में बात कर रहा था, तो लखनऊ उस समय यानी कि जिस समय इसको बनाया गया था तब ये अवध और रोहिलखंड का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस थी। और 1875 के लगभग या 1873 के अराउंड लखनऊ और कानपुर वाली जो लाइन थी उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। बट लखनऊ रेलवे स्टेशन को 1925 के आसपास ओपन किया गया था। ये हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म
607 पर, और यहाँ पर मुझे लिफ्ट नहीं दिखी, बाकी सब पर लिफ्ट मुझे दिखी है अभी तक। और इधर बेगमपुरा खड़ी है 6 पर, और 7 पर कुछ नहीं, खाली है। वॉशेबल एप्रन का काम है, वो सभी प्लेटफॉर्म पे मुझे दिख रहा है, यानी कि हो चुका है इसका मतलब। तो हम जैसे इधर आते हैं तो यहाँ पर एक एमयूएमयू ट्रेन खड़ी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म 7 का व्यू है, काफ़ी बढ़िया। और इधर देख सकते हैं आप एक एफओबी इधर भी बना हुआ है, ये एफओबी भी एग्जिट करा देता है, इससे मैंने एग्जिट किया है। और इधर आप देख सकते हैं यार्ड है लखनऊ का, काफ़ी बड़ा। गाइस बात करें लखनऊ रेलवे स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड LKO है, और यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। मतलब नॉर्दर्न रेलवे में कुछ लिमिटेड ही डिवीजन है, जिसमें मुरादाबाद है, फिरोजपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, वाराणसी नहीं आई थिंक, मैंने गलत बता दिया है, दिल्ली खुद अपने आप में है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ है नॉर्दर्न रेलवे में जो काफ़ी बड़ा बना देता है, अम्बाला भी है जो मैंने स्किप कर दी। गाइस यहाँ पर सीढ़ी के अलावा आपको कुछ इस तरीके के रैंप भी देखने को मिल जाते हैं, जिस पर आप अपना जो ट्रॉली बैग है वो इजीली कैरी कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर सबवे भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड, वो मैं अब अभी आपको दिखाऊंगा सिर्फ कुछ ही मिनट में। और ये देखिए आप, सनराइज़ हो चुका है, क्योंकि 8 बज चुके हैं समय, सुबह के 8 बज चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का माहौल, ऊपर से देखिएगा कैसे आपको टीन शेड देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे सोलर पैनल नहीं है, बट बहुत जल्द आपको यहाँ पर सोलर पैनल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवेज ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है, जिसके द्वारा आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। उसके लिए आपको आई थिंक शायद 50 रुपये पे करने होते हैं, तो उसके माध्यम से आप जा सकते हो। मतलब यही है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए बेसिकली चलाई गई है वो सर्विस, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो बढ़िया चीज़ है वो। वो मुझे भी दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, उसका प्राइस आपको बताऊंगा एग्जैक्ट वाला। और गाइस लखनऊ का सबवे देखिएगा आप, कितना ज़्यादा चमचमा रहा है, ऐसा मुझे बहुत कम देखने को मिला है, और बस पहली बार ऐसा देखने को मिला। चलते हैं दोस्तों, अब एग्जिट करते हैं, क्योंकि अब तो मैंने आपको पूरा स्टेशन घुमा ही दिया, तो आपको कैसा लगा ये डिजिटल टूर बताना मुझे। खैर मैं बता दूं आपको, तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कोरोना से पहले 255 ट्रेन्स का स्टॉप था, और 33 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 33 ही टर्मिनेट हो रही थी। बट अभी फिलहाल जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद में ट्रेनें चली हैं, तो 169 ट्रेनों का जो स्टॉप है वो अभी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हम यही कहेंगे। पहले की तुलना में तो काफ़ी बेहतर है, बदलाव ये है कि भीड़ कम है और सफाई ज़्यादा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना टाइम है तो उसको देखते हुए सफाई की बात बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं आपको बता रहा था लखनऊ जंक्शन के बारे में, तो लखनऊ जंक्शन है, लखनऊ से वाराणसी के लिए 3-3 ट्रैक जाते हैं, लखनऊ वाराणसी वाया सुल्तानपुर, लखनऊ वाराणसी वाया फैज़ाबाद जिसमें मैं ट्रैवल कर चुका हूँ गंगा सतलज में, और लखनऊ वाराणसी वाया प्रतापगढ़, बेसिकली उत्तरी इंडिया से वो कट जाता, तो अभी एग्जिट करते हैं फिर देखते हैं। तो इस तरीके से 3 रूट आपको वाराणसी के लिए देखने को मिल जाते हैं, और उसके अलावा आपको लखनऊ कानपुर वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है, और लखनऊ मुरादाबाद वाला, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है यहाँ से, और लखनऊ जंक्शन से भी काफ़ी लाइनें जाती हैं, तो इस वजह से ये जो जंक्शन है वो बन जाता है। तो चलते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जिट पर। तो गाइज ये है एग्जिट, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिस्टम आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर मशीनें भी लगी हुई हैं, बट फिलहाल वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं अनरिजर्व टिकट अभी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप भी बैठ सकते हो अगर, इधर भी ATM मशीन है बट काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर फ्री वाईफाई भी है, बट वो मैंने यूज़ नहीं किया, तो मुझे पता नहीं क्या स्पीड उसकी आ रही है। तो अभी तो खैर एग्जिट करते हैं और एंट्रेंस पे, और देखते हैं क्या हो रहा है। जो मैं आपको बता रहा था लखनऊ जंक्शन, उसका रास्ता यहाँ से है, बट अभी हम निकल कर आए हैं चारबाग से, और सामने ही आपको चारबाग का मेट्रो स्टेशन भी देखने को मिल जाता है। तो इधर आप जाएंगे ना, ये हैगा रास्ता, ये लखनऊ जंक्शन के लिए है। तो बस दोस्तों यही था लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के व्लॉग में। आपको कैसा लगा ये व्लॉग, और आपको इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और रेलवे स्टेशन पर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।